नासा के कैसरी अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा टाइटन पर एक ऐसा खुलासा किया है जो विज्ञान जगत में हलचल मचा रहा है। कैसिनी ने टाइटन में पृथ्वी जैसे समुद्र का पता लगाया है, लेकिन इन समुद्रों में पानी की जगह मीथेन तरल पदार्थ के रूप में मौजूद है। कैसिनी का बड़ा खुलासा। नासा के कैसिनी स्पेन यान ने शनि के चंद्रमाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की है। डेटा के मुताबिक टाइटन पर एक हाइड्रोकार्बन का सागर मौजूद है। कैसिनी ने 2017 में अपने मिशन को समाप्त करने से पहले शनि और उसके बर्फीले चंद्रमाओं की विस्तृत जानकारी हासिल की थी। इन जानकारियों पर अब वैज्ञानिक गहराई से शोध कर रहे हैं। टाइटन के समुद्र। कैसिनी के रडार ने टाइटन की सतह पर तरल हाइड्रोकार्बन के समुद्रों की पहचान की है। इनमें क्रैकन मारे सबसे बड़ा समुद्र है, जो यूरोप के कैस्पियन सागर के बराबर है। इसके अलावा लीजिया मारे और पुंगा मारे भी प्रमुख समुद्र है, जो क्रमशः उत्तरी अमेरिका के लेक सुपीरियर और अमेरिका के लेक विक्टोरिया जितने बड़े हैं। मीथेन की बारिश। टाइटन पर मीथेन की बारिश होती है, जो सतह पर नदियों, समुद्र और झीलों में बहती है और फिर वाष्पित होकर आसमान में लौट जाती है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जल चक्र के समान है, लेकिन यहाँ मीथेन तरल रूप में है। पृथ्वी और टाइटन का अंतर। पृथ्वी पर पानी की बारिश होती है, जबकि टाइटन पर मीथेन की। यहाँ का घना नाइट्रोजन वातावरण और मीथेन आधारित हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम इसे पृथ्वी से काफी मिलता जुलता बनाते हैं। इस अध्ययन को नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिकों की राय। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक कॉर्नेल विश्वविद्यालय के इंजीनियर और ग्रह वैज्ञानिक वेलेरियो पोगियाली ने बताया कि टाइटन एक ऐसा ग्रह है जहां का वातावरण और हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम पृथ्वी जैसा है, हालांकि यहां मीथेन की बारिश होती है। टाइटन पर हुए इस रोमांचक खुलासे से अंतरिक्ष अनुसंधान की दुनिया में नए दरवाजे खुल गए हैं। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक समाचार। तब तक के लिए देखते रहे द खबरदार न्यूज।